ग्वालियर हाई कोर्ट ने आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव और कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक जनहित याचिका में जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव ने पार्टी के नेता और चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवारों के साथ जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए सभा और मीटिंग में 100 व्यक्तियों से ज्यादा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते और हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों में कम से कम 6 फुट की दूरी होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार को अपने जनसंपर्क में 4 से ज्यादा व्यक्ति अलाउड नहीं है। जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव ने अपने आदेश में जनता को भी अधिकार दिया है कि किसी भी कार्यक्रम में शासन के नियमों का पालन ना हो तो वीडियो एवं फोटो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के समक्ष रख सकते हैं, जिससे उनके खिलाफ न्याय उचित कार्रवाई की जा सके। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यों में शिथिलता बरती तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनका पालन न किए जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने आशीष प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई जनहित याचिका में आज जो आदेश पारित किया है, उसमें उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है कि कलेक्टर को जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किए जा रहे हैं, उनका आदेश का अक्षर से पालन करने हेतु उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है। जो कि आज की डेट में जो कोविड-19 पैंडेमिक जो बीमारी है वो फैल रही है, उसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय ने यह सख्त आदेश दिया है। जो रैलियां, सोशल आयोजन या रैलियां की जा रही हैं, उनमें जो संख्या की ध्यान नहीं दिया जाता है या भीड़ इकट्ठी की जाती है, उसको रोकने के लिए उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है। और आज उच्च न्यायालय ने कलेक्टर्स को यह निर्देश दिया है कि चाहे वो राजनेता हो, नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, जो भी इस प्रकार की भीड़ एकत्रित करने के लिए दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और IPC के तहत FIR दर्ज की जाए। और कलेक्टर ऐसा करने में अगर अपने आप को कमजोर पाते हैं या FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।